बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह करीब 7 बजे अरेर के भौदली परकोली में आयोजित जन्माष्टमी को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा की तैयारी अल सुबह से ही पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद सैकड़ों कन्याओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश लेकर पूजा स्थल से निकलकर धर्जरी होते हुए सरिसव के बचराजा नदी तक पहुंचकर कलश में जल भरकर पुनः भ्रमण करते हुए पूजा स्थल तक गए। कलश शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूजा समिति के द्वारा सदस्यों को मुस्तैद किया गया था, जो सड़क किनारे ट्रैफिक का ख्याल कर कतारबद्ध कर नदी तक ले गए। हालांकि सुबह की बेला होने के कारण वाहनों की परिचालन कम रही। श्री श्री 108 जन्माष्टमी पूजा समिति के द्वारा बताया गया कि यहां पिछले 32 सालों से जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा के दौरान मनोरंजन के लिए जागरण और आलार उदल का भी कार्यक्रम होगा। इस दौरान पूजा समिति के अध्यक्ष बिंदेश्वर यादव, राकेश यादव, कार्तिक मंडल, दयानंद मंडल, अमरेश यादव, अमित कुमार, महेश कुमार, उमेश कुमार, अमर, राजू मंडल, सुरेंद्र पासवान, दिनेश पासवान, सूर्यदेव यादव, इंद्रजीत यादव, मनोज चौधरी, किरण सदाय, सरोज महतो सहित कई सदस्य मौजूद थे। ग्राम परकौली छै, एहिठाम 32 साल से पूजा भ रहल छै और बहुत बढ़िया से पूजा एहिठाम परंपरागत से भ रहल छै। संगे एहिठाम जे छै एक हरेक साल कलश यात्रा निकली है और एहि साल 161 कलश यात्रा निकलल छै। कोनो सांस्कृतिको प्रोग्राम छै? सांस्कृतिक कार्यक्रम में जे जागरण और अल्हार उदल के नाच सेहो। कए दिवसीय पूजा भ रहल छै? 4 दिवसीय पूजा भ रहल यऽ। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।